ये है हीरो की HF डीलक्स और इसका हमने इंजन खोला है। इसमें पिस्टन रिंग डालने के लिए, टाइमिंग चेन डालने के लिए, क्लच प्लेट डालने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को कुछ और भी जानकारी दूँ, जैसा कि मैंने क्रैंक के बारे में अभी बताया था। तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि जो मैंने रूटर फिल्टर बोल दिया था उसके बारे में बताया जाए, जिससे लोग अपनी बाइक को सुरक्षित रख सकें। और कुछ और भी कंडीशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसा कि यूट्यूब पर वीडियो बनती हैं लेकिन रियलिटी में बहुत सारी बातें अलग होती हैं, ऑन पेपर अलग चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बस आप लोगों से एक लाइक की ज़रूरत है, शेयर की ज़रूरत है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्द दबा के हमारे चैनल को अपना सपोर्ट ज़रूर दें। तो यहाँ पर मैंने ये जो खोला हुआ है, सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ HF डीलक्स कितना चली हुई है। फिलहाल 57,000 इसमें दिखा रहा है, लेकिन इसका अगला टायर चेंज हो चुका है, तो इसलिए आप ये मान के चलें कि लगभग ये 70,000 या 65-70,000 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है। और जब मैंने अपाचे का इंजन खोला था तो उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि बाइक 50-52,000 किलोमीटर चली थी, तो उसके इंजन को आपने देखा था कितना साफ था। लेकिन अब आप इसको देखेंगे, सबसे पहले मैं थोड़ा सा रियलिटी आप लोगों को दिखा दूँ धूप में रख के। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और मैं ज़रा पेचकस ले लूँ और मैं पेचकस से आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसके अंदर पूरा। ये देख सकते हैं जैसे कीचड़ सा भरा हुआ है, हाथ से निकाल के दिखाता हूँ सीधा सीधा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं ज़मीन पे लगा के दिखा देता हूँ कि ये इसके अंदर पूरा कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है। कीचड़ कह सकते हैं, कीचड़ कहूँगा तो लोग आप लोग मिट्टी वाले कीचड़ को समझेंगे, लेकिन आप ये समझ लें कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कचरा भरा हुआ है। अब ये यहाँ पर आया क्यों, इसका भी मैं आपको कारण बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं बाइक में दिखा देता हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर क्या होता है और क्रैंक आप कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। और अब मैं ये मोबाइल अपने चेले को दे रहा हूँ, वो हो सकता है इतना कैमरा पकड़ने में सक्षम नहीं है, इतना अच्छा कैमरामैन नहीं है, इसलिए अगर आप लोगों को कम समझ में आए तो भाई आप लोग कमेंट जरूर करना। आओ भाई ज़रा पकड़ो, हाँ पकड़ो, जो खोलूँगा वही दिखाना। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर होता है, जिन बाइकों में इंजन ऑयल वाला जो फिल्टर होता है, ऑयल फिल्टर जो होता है वो नहीं होता है, उसमें सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर होता है। और जिनमें ये ऑयल फिल्टर लगा होता है, जैसा कि आपने अपाचे में देखा होगा या FZ में देखा होगा, उसमें या किसी भी बाइक में जिसमें ये फिल्टर लगा, ऑयल फिल्टर लगा होता है, उसमें ये सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर नहीं होता है। तो ये मैंने खोल दिया है और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं इसको निकाल के कि इसमें कितने कचरा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब मैंने खोला तो आप देख सकते हैं इसमें कितना कचरा है। ये आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर भरा रहता है, थोड़ा दूर करो, और यहाँ पर भी भरा होता है। तो इससे आपकी बाइक के क्रैंक में जाता है ये कचरा, और आपकी बाइक की क्रैंक ख़राब होती है। इसलिए आप अगर टाइम टू टाइम ऑयल चेंज करवाते हैं तो तीसरी सर्विस पे इसको या चौथी सर्विस पे इसको खोल के साफ़ करवा लें, और नहीं तो आप पाँचवीं पे भी करवा सकते हैं, जिस प्रकार से आप चलाते हों। इसमें कोई चीज़ नियम नहीं होता है, कि नियम तो होता है लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें नियम से ही नहीं चलती हैं, क्योंकि हर जगह की हर व्यक्ति की कंडीशन अलग होती है। तो मैंने आपको दिखाया कि ये सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर होता है, और मैं अब इसको खोल लेता हूँ। खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर और पार्ट, और जो ये इसमें ये जो कचरा भरा हुआ है आप देख रहे हैं, इसके अंदर पूरा कचरा भरा हुआ है, ये बहुत ही बुरी तरीके से ये देख रहे हैं। तो ये क्यों आया है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, और इसको खोल के दिखा देता हूँ। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि इंजन बिल्कुल साफ़ निकल रहा है, कुछ लोगों का लोग कहते हैं कि इसमें ये डाल दो तो ये सब साफ़ हो जाएगा, लेकिन कुछ और भी कंडीशंस होती हैं बाइक की। तो सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई हमने इसके नट को खोल लिया है और अब हम इसको निकालते हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही बुरी कंडीशन है इसकी, ये क्लच प्लेटें घिस गई हैं, ये आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें इसकी घिस चुकी हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना इसमें कचरा जमा हुआ है, जिसको मैं कीचड़ बोल रहा हूँ, कीचड़ नाम से संबोधित कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये किस प्रकार से जमा हुआ है,
ये आप देख सकते हैं, इसमें आप कुछ भी डालेंगे तो ये कभी साफ, कभी का मतलब अगर बहुत अच्छी तरीके से साफ किया जाएगा तभी साफ होगा। बाकी आप ये डाल लें, चाहे पेट्रोल डाल दें, डीजल डाल दें, मिट्टी तेल डाल के स्टार्ट कर दें या प्लस ऑयल डाल दें, तब भी ये सारी चीज़ें साफ़ नहीं होने वाली हैं। ये ब्रश से और अच्छी तरीके से मिट्टी के तेल से इन सारी चीज़ों से साफ़ करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं बहुत ही। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा होता है, इसको भी साफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है। और इसको यहाँ धूप में आओ दिखाओ, यहाँ से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लाओ मैं दिखा के लाऊं। आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ भी दिख नहीं रहा, मतलब इसमें एकदम पूरा कचरा भरा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये साफ, ये इसके अंदर कचरा भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। पेचकस लाओ, ये पकड़ो कैमरा। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, और इसको मैं साफ़ करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इसको साफ़ करवाना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जब आप इसको साफ़ नहीं करवाएंगे तो ऑयल जो होता है वो उतना अच्छी तरीके से नहीं जाएगा आपके इंजन में। तो आप देख सकते हैं, और अब मैं थोड़ा सा साफ़ कर लूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। तो अब इस इंजन को साफ़ किया जा चुका है, लेकिन अभी ये पूरा अच्छी तरीके से साफ़ नहीं हुआ है। और मैं आपको दिखाता हूँ इधर जो और चीज़ें साफ़ की जा चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा काली थी, ये साफ़ हो चुकी है। और एक प्रकार से ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा हीट होके बिना इंजन ऑयल के चल के इस हालत पे हो चुकी है। और ये बिल्कुल काला था, लेकिन अभी अभी साफ़ हो चुका है। और आप इंजन को जो इसके क्लच कवर को है आप देख सकते हैं, और ये फ़िल्टर को आप देख सकते हैं, यही वो फ़िल्टर था जिसमें बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अब इसमें बिल्कुल क्लियर है। और ये चैम्बर साफ़ हो चुका है, अब ये जितना अच्छी तरीके से साफ़ हो सकता है उतना अच्छा किया गया है। एक बार फिर से साफ़ किया जाएगा। फ़िलहाल हम आपको दिखा देंगे पहले और इसमें कितना अंतर है, आप लोग ये ज़रूर देख लें, और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। और इधर से अगर आप देखेंगे तो इसकी कंडीशन यहाँ पर काफ़ी ख़राब है, इसको भी अभी क्लीन करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो हमने आपको सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर दिखाया था, तो ये सारी चीज़ें इस बाइक में इस स्थिति पे हैं। फिर से मैं आपको दिखा दूं, HF डीलक्स 57,000 चली हुई है। तो आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा, हो सकता है कुछ लोगों के समझ में आया हो या कुछ लोगों के समझ में ना आया हो कि मैं इस वीडियो में आपको दिखाना क्या चाहता हूं और बताना क्या चाहता हूं। तो मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी क्रैंक की, उसमें मैंने आपको बताया था कि क्रैंक क्यों ख़राब होती है, अगर ख़राब होती है तो कौन से पार्ट ख़राब होते हैं, कितना पैसा लगता है। तो उसमें मैंने एक शब्द बोला था कि अगर आप रोटर फिल्टर साफ़ करवा के रखेंगे तो आपकी बाइक की क्रैंक थोड़ा ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो रोटर फिल्टर को लेकर बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूजन हो गई कि ये रोटर फिल्टर क्या होगा, जबकि असली नाम उसका है सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। अब नाम में कभी कभी अंतर हो जाता है, जैसे जहां पर बाइक रिपेयर होते हैं वहां पर कुछ और नाम होते हैं, वो अपने हिसाब से नामों को रखते हैं, उस हिसाब से उसको बुलाते हैं। जैसे कुछ लोग रिंच बोलेंगे, कुछ लोग उसको टूल बोलेंगे, कुछ लोग उसको चाबी बोलेंगे, हर जगह लोग अलग अलग बताते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी बाइक का सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर साफ करवा के रखेंगे तो आपकी बाइक की जो इंजन में क्रैंक लगी होती है उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, ना कि वो कभी जिंदगी में खराब ही नहीं होगी। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से सुन लें। अगर आप इन सारी चीज़ों को करते हैं तो आपकी बाइक का जो इंजन है वो ज़्यादा दिन तक चलेगा और क्रैंक की लाइफ ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर में जो कचरा लगा होता है वो सीधा आपके क्रैंक पे जाता है, जिससे बैरिंग कट जाती है और आपकी जो क्रैंक होती है उसका जो कनेक्टिंग रॉड होता है वो जल्दी कट जाता है, उसकी पिन जल्दी कट जाती है, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर का कचरा होता है वो डायरेक्ट वहाँ पर जाता है। तो इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर को ज़्यादा अच्छी तरीके से और उसको साफ़ करवा के ही रखना चाहिए, जिससे आपकी बाइक के क्रैंक में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग इसका मिस यूज कर लें, इसलिए मैं आपको और भी अच्छी तरीके से बता दूँ कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर आप साफ़ करवा के रखेंगे तो आपकी बाइक की क्रैंक जल्दी ख़राब नहीं होगी, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप हर सर्विस में अपनी बाइक का क्लच कवर खुलवा के आप सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर साफ़ करवाएं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर जिन बाइक में होता है उनमें इन जो ऑयल
फिल्टर होता है वो नहीं होता है, क्योंकि अगर ऑयल फिल्टर अलग से लगता है तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर नहीं होगा, तो आपको क्लच खुलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिनमें सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर होता है उनमें अलग से ऑयल फिल्टर नहीं होता, इसलिए उसको क्लच खुलवा के फिर आपको उसको साफ़ करवाना होता है। तो ऐसे में ऐसा नहीं कि आप हर सर्विस में उसको आप साफ़ करवाएंगे तो उससे नुकसान ही होगा, आपकी बाइक का जो क्लच कवर का जितने भी बोल्ट लगे होते हैं वो सारे बोल्ट फेल हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, तो आपको इंजन खुलवा के उसकी चूड़ी बनवानी पड़ेगी, तो ऐसे में आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। यहाँ पर आपको ये करना है कि अगर आप नई बाइक लिए हैं, टाइम टू टाइम सर्विस करवा के रखे हैं, उसमें आप अपने सर्विस बुक पे देख लेंगे कि कब कब साफ़ करवाना चाहिए, तो उसी हिसाब से आपको उसको साफ़ करवाना चाहिए, नहीं तो आप तीसरी सर्विस पे करवा दें। फिर अगर आप टाइम टू टाइम इंजन ऑयल चेंज कर रहे हैं तो आपको पाँचवीं तीसरी के बाद आपको लगभग 5 सर्विस के बाद करवाना चाहिए, ऐसे ही उसको देखना चाहिए। और साथ में हर चीज़ कंडीशन के ऊपर निर्भर होती है, ऐसा नहीं है कि आप किसी नियम को बता देंगे तो उसको पूरी दुनिया फॉलो करने लगेगी, हर व्यक्ति की कंडीशन अलग अलग होती है। तो आप अपने इंजन ऑयल के कलर को भी देखें कि जब आप सर्विस करवा रहे हैं तो कितना ख़राब निकल रहा है, तो उस हिसाब से आप उसको साफ़ करवाने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया कि तीसरी सर्विस में करवा लो तो आप हर तीसरी सर्विस में करवाएं, तो ये सारी चीज़ें आपकी बाइक के लिए नुकसान हो सकती हैं। तो इसलिए आप उसको देखें, या जो आपकी बाइक की सर्विस कर रहे हैं उनसे भी आप एक बार आप सलाह कर लें कि क्या इसको खुलवा के करवाना, साफ करवाना जरूरी है या नहीं है। तो ऐसे आप सारी चीज़ों को ध्यान रख के फिर करवाएं, जिससे आपकी क्रैंक ज़्यादा दिन तक चलेगी। उसमें मैंने साथ में एक दिखाया था कि एक फिल्टर लगा होता है जिससे ऑयल छन के ऊपर जाता है, आपकी बाइक में जो भी ऑयल जाता है वो सारी चीज़ें छन के जाती हैं पंप के द्वारा, तो उस फिल्टर को जब अगर आप साफ़ करवा के रखेंगे तो इससे आपकी बाइक की लाइफ बढ़ जाएगी। यही होता है लाइफ बढ़ाने का जो टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग जानना चाहते हैं, यही सारी चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि जो ये टेक्निकल वीडियो होती हैं काफ़ी बोरिंग होती हैं, लोग इसको कम देखना पसंद करते हैं, लोग लाइक भी कम करते हैं, तो मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह की टेक्निकल वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे ये जानकारी आप तक ही ना सीमित रहे, कुछ और भी लोग जान सकेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाई, प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर जरूर करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरी चीज़ जो मैंने आपको इस वीडियो में क्लच कवर में दिखाया, पेचकस से निकाल के दिखाया, हाथ से निकाल के दिखाया कि इसमें कचरा लगा हुआ है, आप लोग खुद सोच सकते हैं कि मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी अपाचे की, जिसमें मैंने दिखाया था कि लगभग 50,000 किलोमीटर पर उसकी क्रैंक खराब हो गई थी, जबकि ये बाइक दिखाने में तो 57,000 चली हुई है, लेकिन इसका अगला टायर चेंज हुआ, इसका मतलब ये बाइक लगभग 60-70,000 किलोमीटर चली है, और अभी तक इसका सिर्फ पिस्टन और रिंग खराब हुआ, क्रैंक नहीं खराब हुई। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आप इसको सारी चीज़ें साफ नहीं करवाओगे या फ्लस नहीं करवाओगे तो आपका ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। आपने देखा कि इसकी इतनी खराब कंडीशन पे इसकी क्रैंक नहीं खराब हुई, इसका सिर्फ जो है पिस्टन और रिंग खराब हुआ। हो सकता है आगे चल के जल्दी ही इसकी क्रैंक खराब हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कचरा लगा हुआ है, तो ऐसे में खराब हो सकती है। अब जो ये कचरा आप लोगों ने देखा, ये चाहे आप जो कुछ भी इसके अंदर डाल देंगे वो अपने आप साफ़ नहीं होने वाला है, ब्रश से तो जल्दी साफ़ होता नहीं, तो फिर आप चाहे उसके अंदर जो कुछ भी डाल दें तो उसको जल्दी से साफ़ नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति की कंडीशन अलग होती है, उसके इंजन ऑयल की या उसके इंजन की कंडीशन अलग होती है। अब ऐसा हुआ क्यों ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक बाइक है, अब आप उसको जब चलाते हैं, जैसे 30,000 किलोमीटर चल गई, 40,000 किलोमीटर चल गई, तो वो कभी कभी कुछ बाइकें जल्दी से धुआं नहीं देती हैं, लेकिन कुछ बाइकों में आप ये माने कि हल्का हल्का धुआं उठाने लगते हैं, तो आपकी बाइक में इंजन ऑयल धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। तो जब आप सर्विस में जाते हैं तो आपकी बाइक में आधा लीटर इंजन ऑयल निकला, कुछ में 100 ग्राम ही निकलेगा, कुछ बाइकों में कम निकलता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब आपका इंजन हीट होता है तो जो उसके चैम्बर पर ऑयल लगा होता है इससे वो जम के पपड़ी का रूप ले लेता है, तो उससे भी उसके अंदर कीचड़ हो जाता है। या जब आपकी बाइक में इंजन ऑयल कम हो जाता है, इंजन गर्म होता है, क्लच प्लेटें सूखी चलती हैं, तो क्लच प्लेटें घिस के उसमें जो उसके कण हैं वो आ जाते हैं, जिससे उस बाइक में कीचड़ सा फैल जाता है। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं कीचड़ फैल जाने के। तो जैसे कुछ लोग, अब मान लीजिए उनकी हल्की हल्की धुआं दे रही है, सूखी बाइक को चला रहे हैं, जल्दी से बनवाते नहीं, तो तब ऐसी कंडीशन आती है। नहीं तो जब आपकी बाइक में मान लीजिए इंजन ऑयल कम हो गया तो आप उसमें जो भी कमी होती है उसको सही करवा लेते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहता था कि आप अपनी बाइक का सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर साफ़ करवा के रखें, साथ में आप देख लें कि इंजन ऑयल की कंडीशन क्या है, उस हिसाब से अपनी बाइक में जो कुछ भी आपको करवाना है वो करवाएं, टाइम से इंजन ऑयल चेंज करें, जिससे आपकी बाइक की लाइफ बढ़ सके। तो आप लोगों को ये टेक्निकल वीडियो कैसी लगी आप लोग इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैंने आपको जो कुछ भी इस वीडियो में बताया है उसको आप ध्यान से ज़रूर सुन लिया करें, जिससे आपका कोई नुकसान ना हो, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये आपके अच्छे के लिए बना रहा हूँ, जिससे आप लोगों को जानकारी मिल सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।